भारत के चितवड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितवड़ा गांव कार्यालय परिसर की है, जहां पर तैनात अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरकारी समिति चितवड़ा गांव के डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ मन्नू ने हस्ताक्षरित पत्र सौंपते हुए बताया कि वर्तमान अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार पर कंबल खरीद, डस्टबिन, हैंडपंप, विद्यालय की बाउंड्री वॉल तथा कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल पर लगभग करोड़ों रुपए के घोटाले करने के आरोप है। मगर आलम यह है कि जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश शासन तक किसी भी स्तर पर कोई कठोरतम कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिसमें खासा नाराजगी व्याप्त है। और मीडिया से रूबरू होते हुए सहकारी समिति के डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ मन्नू ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह सभासद नगर पंचायत चितवड़ा और वर्तमान में सरकारी समिति का डायरेक्टर चितवड़ा जी। धर्मेंद्र जी, आपके हाथ में एक पत्रक है जी, किस प्रकार का पत्रक है, ये क्या है पूरा मामला? ये नगर पंचायत चितवड़ा गांव भ्रष्टाचार के युग के संबंध में है। क्या है पूरा मामला? ये एक साल में कम से कम 7-8 करोड़ का घोटाला किए हैं, जो इनके खिलाफ 20/11/2023 को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया। अब तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ ना हो। क्या क्या है इनके ऊपर घोटाले का आरोप? इनके ऊपर है डस्टबिन का फर्जी भुगतान, डस्टबिन है, बाउंड्री वाल है, कंबल है, बहुत से इनके ऊपर भ्रष्टाचार। लगभग कितने का होगा घोटाला? 5-6 करोड़ का। ये तो पहला ये किया कि फर्जी प्रस्ताव बनाए हैं, उसका भी अभी जांच नहीं हुआ है। तो इसके संबंध में शिकायत कहाँ कहाँ की गई है और कौन कौन सी कार्रवाई अभी तक हुई? इनके शिकायत जिलाधिकारी को किया गया, कमेटी बनी, कमेटी द्वारा जांच कर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया गया 20/11/2023 को। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अधिशासी अधिकारी कौन हैं और कैसा प्रभावी हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? अनिल कुमार जी हैं, प्रभावी हैं, तभी ना अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। तो क्या इनके आगे सरकार भी घुटने टेक रही है? अब क्या मालूम। कहाँ है अभी अधिशासी अधिकारी मौजूद? पंचायत चितवड़ा में अभी कार्यरत है, अभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। अभी वर्तमान में ऑन ड्यूटी हैं? ऑन ड्यूटी हैं। अच्छा, तो कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं शिकायत करता है? इसमें तो पहले 12 सभासद हैं। अच्छा, और इससे पहले हमने कई जांच इनके खिलाफ कराया, शासन में चल रहा है, अभी न्यायालय में भी कई जगह चल रहा है इनके खिलाफ, मगर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ठोस शासन से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिला से कार्रवाई जांच कमेटी का रिपोर्ट भेज दिया, शासन को भेज दिया गया है, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग 4 में भेजा गया है जी। तो कार्रवाई अगर नहीं होता है तो आगे आप सभी सभासद क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? हम लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे, बहुत जल्द करने वाले हैं, 2-4-5 रोज के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो।